अभी यहाँ हो रही है हल्की हल्की वर्षा, और ये है हमारे छोटे भाई योगेश जी। मक्की काफी बड़ी हो गई है। मैं मंडी से तिलहाड़ के रास्ते अभी अभी पहुंचा हूं गांव फतेहवान स्थित समीधा कॉम्प्लेक्स में। अभी यहां हो रही है हल्की हल्की वर्षा, और वर्षा में हरितिमा और भी बढ़ गई है। हेलो स्कूबी, हेलो स्कूबी, हेलो स्कूबी। वर्षा थम गई है और हम निकल पड़े हैं गांव फतेहवान के लिए। तो आइए आपको भी थोड़ा सा घुमाते हैं इस गांव में। फतेहवान देवधार। तो अभी हम जा रहे हैं गांव की ओर सड़क से। सुगंध ले रहा है मिर्च की। घास खा रही है। नरेंद्र के पेड़ है। ये घास नहीं है भाई, ये घास नहीं है। तो आज आप मेरे साथ घूम रहे हैं गांव फतेहवान में, और ये है हमारे छोटे भाई योगेश जी। तो देखिए कितना खूबसूरत गांव है। सड़क से तो नजर नहीं आता, लेकिन ऊपर जब हम आए इसकी खूबसूरती तो मंत्रमुग्ध कर रही है। हम गांव फतेहवान में हैं, लेकिन अलग बात है कि अब गांव का थोड़ा सा यहाँ वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। खासकर भवनों को अगर हम देखें तो भवन बड़े नई शैली के यहाँ नज़र आ रहे हैं। ईंट पत्थर से बने हुए वो मिट्टी और छप्पर के घर अब नज़र नहीं आ रहे। हाँ, एक छप्पर का घर सामने नज़र आ रहा है अभी, अन्यथा काफ़ी परिवर्तन हमारे गाँव में अब आ गए हैं सड़क होने की वजह से, और जो विस्तार हो रहा है हमारी नई सभ्यता का, शहरी सभ्यता का। हम आए हैं यहाँ घर में आयोजित एक छोटे से भोज में शामिल होने के संबंध में निमंत्रण देने के लिए। कैसे बच्चे, ठीक हो? हेलो, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कोई नहीं, स्टूडेंट मिलने थी। अच्छा, इतने बड़े पहले पड़े हो ना। मक्की काफी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी इसमें फल आने में समय लगेगा। ये भी स्वागत का एक अंदाज है ना, बड़े प्यार से भौंकू कर रहे भाई। फिर से जी चाय पानी, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। वाओ, आम का पेड़ और ये प्यारे प्यारे सुंदर घर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मेरे रास्ते में मैना और सामने गौशाला। मैना तो उड़ गई और मैं भी मुड़ रहा हूं बाई तरफ के लिए। सड़क से होते हुए जब जाते हैं तो फतेहवान इतना विकसित नजर नहीं आता कि इतने ज्यादा घर होंगे, लेकिन ये फतेहवान है। देखिए सामने पुरानी मंडी, पुरानी मंडी नजर आ रही है, सामने रेड़ा धार नजर आ रही है, और पुरानी मंडी यानी कि हम पुरानी मंडी के ठीक सामने इसमें एक शिखर पर हैं।